D4 से स्टार्ट करना है। जब वो अपने पॉन को F5 पर मूव करता है, अपने अपने बिशप को G5 पर मूव कर लेना है। जब वो बिशप पर अटैक करेगा H6 से, जब आपने अपने बिशप को H4 पे मूव करना है, वो दोबारा अटैक करेगा G5 से, आपने फिर बिशप को सेफ्टी पर रख लेना है। वो दोबारा अटैक करेगा F4 से, आपने आपका बिशप यहाँ पर ब्लॉक हो गया। देन आप क्या करोगे, अपने पॉन को E3 पे मूव करना है। जब वो आपका बिशप कैप्चर कर लेगा, देन आपने अपने क्वीन को H5 पर मूव करना है। एंड दैट्स अ स्टनिंग चेकमेट।